तो वेलकम रोहन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे। वी आर कोर प्योरली फोकस्ड ऑन क्वांट इन्वेस्टिंग एंड एआई इन्वेस्टिंग, सो दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू दैट हाउ क्वांट इन्वेस्टिंग विल शेप द यू नो टर्न अराउंड द इन्वेस्टिंग होराइजन्स ऑफ इंडिविजुअल्स एचएनआईज एंड इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड इंडिया में जा रहा है, बिकॉज एवरी आप देखोगे एवरी डिकेड में इन्वेस्टिंग चेंज होता है, इन्वेस्टिंग का प्रोसेसिंग 1980s, 90s में अलग था, 1990 से 2000 में अलग था, 2000 से 2010 में अलग था, 2010 टू आई थिंक सो दिस डिकेड इज गोइंग टू बी मोर अबाउट क्वांट इन्वेस्टिंग एंड एआई इन्वेस्टिंग। सो हमने तकरीबन 10 साल इस पे दे दिया कि कैसे क्वांट इन्वेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिंग प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग किया जाए, कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर है तो मैं नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे है तो मैं ज्यादा करूंगा। 5 क्वेश्चंस में पॉइंट ये है कि फर्स्ट हाउ मच टू बाय, सॉरी व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय, व्हेन टू एग्जिट एंड व्हेन टू पिरामिड योर पोजीशन। बिकॉज स्टॉक तो ले लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगा कि ए स्टॉक ले लेना है, पर कितना लेना है और लेने के बाद आपका रिव्यू कैसे होता है उस पे कोई बात नहीं करता है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस। तो ये 3P का मैं एक चरण में क्वांट कैसे डेवलप किया उसकी स्टोरी में बताऊंगा। एक कोट है कि कौन सीखा है किस्सों से, सबको ठोकर की जरूरत है, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकरों खाने से बुद्धि आती है। तो 17 साल इतने ठोकर खाई है, इतनी सीखा है कि ये गलत हुआ ये गलत हुआ, तब यू हैव मेड अ फॉर्मूला। सो नो फॉर्मूला वॉज मेड एट द फर्स्ट गो, इट वॉज मेड विद ब्लंडर्स ऑफ मिस्टेक्स। So guys, today we have with us Mr. Rohan Mehta, who is CEO and Portfolio Manager of Turtle Wealth, managing 1,000 crores in assets with a CAGR of 21%. Today our topic of discussion for our viewers is quant investing. So let's hear it from Rohan. So welcome Rohan. My first question is, what are we going to learn today? Thank you. I think so. It was a good thing to to have a talk with you, and I'm here on your podcast. So आज मुझे बात करनी थी, और यू शुड टॉक मोर ऑन जो वर्ल्ड इंडिया में जा रहा है, बिकॉज एवरी आप देखोगे एवरी डिकेड में इन्वेस्टिंग चेंज होता है, इन्वेस्टिंग का प्रोसेसिंग 1980s, 90s में अलग था, 1990 से 2000 में अलग था, 2000 से 2010 में अलग था, 2010 टू आई थिंक सो दिस डिकेड इज गोइंग टू बी मोर अबाउट क्वांट इन्वेस्टिंग एंड एआई इन्वेस्टिंग। सो व्हाट इज क्वांट इन्वेस्टिंग, एआई इन्वेस्टिंग को बात करते हैं सिंपल डेटा में, कि डेटा ड्रिवन प्रोसेस होगा, ह्यूमन ड्रिवन प्रोसेसेस कम होता जाएगा, जो जो डेटा बोलेगी वो जनरली डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा रेदर देन इमोशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आई बिलीव इन नेक्स्ट 10 years, दिस डिकेड इज अबाउट क्वांट इन्वेस्टिंग एंड एट टर्टल बींग द सीईओ ऑफ द कंपनी वी आर कोर प्योरली फोकस्ड ऑन क्वांट इन्वेस्टिंग and AI investing. So that's where I would like to talk with you that how quant investing will shape the, turn around the investing horizons of individuals, HNIs and institutions. Okay. So generally, there could be a question between what is quant versus AI investing. So quant investing is specifically ke aap apne rules bana do, ke bhai ye hisab se mujhe decision lena hai, jisme इतना सिंपल है कि वो मैकडॉनल्ड टेस्ट होना चाहिए। तो यही चीज अगर हम अगर एक किसी को दे सके, तो टीनेजर को दे सके, तो वो भी कर सकते हैं। तो इतना प्रोसेस ड्रिवन आपका अप्रोच हो जाए जो करना है, और दूसरा कि इतना सिंपल भी होना चाहिए कि जहां पे कॉम्प्लेक्स थियरीज नहीं होनी चाहिए। और एआई इसको कैसे डिफर करता है कि धीरे, व्हाट इज एआई इज दैट मशीन लर्निंग, मशीन लर्न करता जाता है कि ये राइट हुआ तो ये जो इसका एल्गोरिदम से राइट हुआ तो कल उठ के इतने एल्गोरिदम फ्यूचर में राइट होने वाले हैं। सो हमने तकरीबन 10 साल इस पे दे दिया कि कैसे क्वांट इन्वेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिंग प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग किया जाए। आज तक क्या होता था कि क्वांट इन्वेस्टिंग, क्वांट ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर था स्पेसिफिक यूएस में, पर क्वांट इन्वेस्टिंग इतना पॉपुलर नहीं था। तो हमने देखा कि आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे PMSs, इंस्टीट्यूशन फंड क्वांट इन्वेस्टिंग में भी आ गए हैं, पर उसमें भी हम बोलते हैं कि क्वांट इन्वेस्टिंग है, पर वहां पे भी बहुत सारा डेटा ह्यूमन ड्रिवन होता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर है तो मैं नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे है तो मैं ज्यादा करूंगा। पर क्वांट इन्वेस्टिंग का
फाइव क्वेश्चंस में पॉइंट ये है कि फर्स्ट हाउ मच टू बाय, सॉरी व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय, व्हेन टू एग्जिट एंड व्हेन टू पिरामिड योर पोजीशन। ये पांच क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत प्रिसिशन से आपके पास होना चाहिए। अगर ये पांच क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो क्वांट इन्वेस्टिंग एक्चुअली है ही नहीं, ये एक ह्यूमन ड्रिवन इन्वेस्टिंग है, पर आप यू नो ब्रांडिंग के लिए यू नो यू यूज इट एज अ क्वांट इन्वेस्टिंग। सो आई विल टेक यू ऑन टू द पॉइंट ऑफ व्हाट वी एट टर्टल हैव डन क्वांट इन्वेस्टिंग। ऑन अ डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं बात कर रहा हूँ इट इज प्योरली फॉर नॉलेज पर्पस, और इसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप नहीं लेना, दिस इज प्योरली फॉर नॉलेज पर्पस। सो आपको स्लाइड दिख रही है मेरी? Yes. Wait a second. Yeah. Now. So our core purpose company का ये है कि we want to change the word portfolio to quantfolio. So quantfolio में जो भी decision making है वो quant से ही decision ले, where decision based on human or pure on data, not on intuition. So that is our whole focus. So मेरी team के वो सब मैं बात नहीं करूँगा, पर we will come purely onto the point. So, जब भी इन्वेस्टिंग प्रोसेस करते हैं ना, तो रोहित बहुत लोग मुझे पूछते हैं इनिशियली कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो राइट है, पर बहुत कम लोग पूछते हैं कि हमारा एलोकेशन और रिव्यू प्रोसेस क्या है। बिकॉज स्टॉक तो ले लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगा कि ए स्टॉक ले लेना है, पर कितना लेना है और लेने के बाद आपका रिव्यू कैसे होता है उस पे कोई बात नहीं करता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस, बिकॉज स्टॉक लेना तो बहुत इजी है कि ले लिया, पर तीन महीने के बाद परफॉर्म नहीं किया तो आपका कौन कौन सा मेजर्स है जो आपको पता चलेगा कि यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यार एग्जैक्टली द पॉइंट, बिकॉज जिस टाइम पे ले रहे होते हैं एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट कि यहां से ऊपर कितना चला जाएगा, ठीक है, यस, बट उसके बाद Nobody is anticipating कि everybody is anticipating कि या तो वो stop loss खाएगा या फिर एकदम से मेरा target hit करेगा, but nobody is anticipating कि तब क्या होगा अगर वो चार महीने या एक साल वहीं पे फंसा रह गया। Exactly. That is so not the question somebody is asking. Nobody is asking, and this is a very important question you need to ask, because see, as for example, मैं आपको बोलूँ कि रोहित ये stock ले लेना, ठीक है? अभी रोहित ये स्टॉक ले लेगा, फिर वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये करेगा तो वो कौन करेगा? तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आज वो स्टॉक अच्छा है, कल उठ के वो अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा, हम दोनों को नहीं पता है, ऑनेस्टली किसी को नहीं पता है। ये सब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो जो आई ऑलवेज मेक अ फन ऑफ थिंग दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और डायट फूड दोनों मिथ है। बात करने में बहुत मजा आता है पर करना किसी को है नहीं, ठीक है? तो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने क्या किया है, ये हमारा ट्रिपल पी इन्वेस्टिंग प्रोसेस कॉपीराइटेड प्रोसेस है, ट्रेडमार्क प्रोसेस है, जहाँ पे हमने जब मैंने करियर चालू किया था रोहित, तब मुझे बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड, तो बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा, बोला था कि यार रोहन भाव ही भगवान है, प्राइस इज गॉड, कुछ नहीं चलता है। फिर थोड़ा और मैच्योर हुए तो लोगों ने बोला कि नहीं यार फाइनेंशियल्स बहुत काम लगते हैं, फंडामेंटल्स देखना चाहिए, उससे पैसा बनता है। फिर जब थोड़ा और मैच्योर हुए फिर पता चला कि यार लोगों ने बोला कि यार प्रमोटर को जानते होने चाहिए, कंपनी के बारे में इंटरनल पता होना चाहिए, इंटरनल डजंट मीन इनसाइडर ट्रेडिंग, पर अंडरस्टैंडिंग के भाई आप कंपनी के डीलर को मिलो, आप एम्प्लॉय को मिलो, मैनेजमेंट को मिलो, तो आपको ज्यादातर पता चलेगा कि कैसी कंपनी है। तो हमने क्या किया, हम है बनी है गुजराती, तो हमने तीनों का मिश्रण कर दिया, ठीक है? सो इट इज प्राइसेस, यू से टेक्निकल व्हाट एवर वी कैन से, वी से प्राइस, प्रॉफिट्स आर फंडामेंटल्स एंड पीपल आर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस विद पीपल, ये तीन पी का हमने मिश्रण कर दिया। तो ये तीन पी का मैं एक चरण में क्वांट कैसे डेवलप किया उसकी स्टोरी मैं बताऊंगा, एंड देन वी कैन टेक इट अहेड विद योर क्वेश्चंस आल्सो। सो हमने क्या किया, हमने सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये पूरा प्रेजेंटेशन चार पार्ट में है, सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग प्रोसेस, एलोकेशन प्रोसेस एंड रिव्यू प्रोसेस, ठीक है? तो ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस का पांच क्राइटेरिया है। एक, स्टॉक हम इन्वेस्टमेंट के लिए वही स्टॉक लेते हैं जो ऑल टाइम हाई करता है। जो आपने मुझे बोला था कि रोहन ऐसी चीज अपने बात करनी है जो फंडामेंटल वैल्यू है, जो आज से ये पॉडकास्ट कोई 50 साल के बाद भी देखेगा।
शायद आई होप कि हम दोनों हो वो टाइम पे अगर और पॉडकास्ट करने के लिए, पर हम दोनों नहीं हो तो वो पॉडकास्ट, दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी रिलेवेंट फॉर द नेक्स्ट 100 और 200 और 500 ईयर्स, बिकॉज डेटा चेंज कभी जिंदगी में नहीं होगा, ठीक है, जो ह्यूमन इमोशन डेटा नहीं चेंज होंगे. सो हम स्टॉक वही लेते हैं जो ऑल टाइम हाई करता है आफ्टर अ लॉन्गर टाइम ऑफ कंसोलिडेशन. तो यहाँ पे मैं केस स्टडीज लूंगा समझाने के लिए, तो हम ऑल टाइम हाई पे ही लेते हैं. अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा रोहन ऑल टाइम हाई पे क्यों लेगा. सो सॉरी, आपने ऑलरेडी एक इतना बड़ा हिंट दे दिया ना इस प्रेजेंटेशन के अंदर. If somebody follows that, he can build a lot of wealth. ठीक है, first thing is, आपने जो अपनी कंपनी का नाम रखा है, that is Turtle Wealth. That is not by accident, it's by choice. Okay? 100%. ठीक है, and then, जब आपने fundamentals की बात की, तो turtles का जो method निकल के आया था, वो भी 1980s में आया था. So it has already been around for 45 years or decade. So my turtle name is from Richard Dennis Turtle Group. या बिकॉज मैं ऑलरेडी जितनी पॉडकास्ट कर चुका हूँ वहां पे 3 बार तो रिचर्ड डेनिस का नाम आ चुका हुआ है. ठीक है, ओके. एंड थर्ड थिंग इज ऑल टाइम हाई स्टॉक आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, इसके अंदर एवरीबडी माइट बी वर्किंग अराउंड की ऑल टाइम हाई के ऊपर तो सारे बात करते हैं, बट मैनी विल फॉरगेट कि उसके आगे लिखा हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन, दैट इज द कीवर्ड. क्योंकि उसके बाद जो स्टॉक चलना शुरू होता है ना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके, दैट इज एक्चुअली द वेल्थ क्रिएटर ऑल. एंड दैट वेल्थ क्रिएशन इज फास्ट एंड फ्यूरियस. यस. सो बिकॉज़ बीइंग अ फंड मैनेजर आई डोंट हैव प्रिविलेज वेयर आई कैन से दैट आई विल बाय अ स्टॉक फॉर 5 इयर्स, 4 इयर्स इट विल नॉट वर्क, इन 1 ईयर इट विल वर्क, पीपल विल टेक आउट मनी फ्रॉम मी. सो एग्जैक्टली बिकॉज़ सी आई आल्सो मैनेज पब्लिक मनी, राइट? टुडे पब्लिक मनी पीपल वांट रिटर्न्स, और ये फैक्ट है. आज आप कोई सीरीज देखने जाओ तो मैं कितना भी बोलूं कि बहुत ब्यूटीफुल कंटेंट है, आप बोलोगे यार रोहन आई एम नॉट एंटरटेनमेंट, नॉट एंटरटेन, आई डोंट केयर, आई विल शिफ्ट टू अ डिफरेंट कंटेंट. सो सेम इज टुडेस फंड मैनेजर्स लाइफ आल्सो. इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग, अ इन्वेस्टर विल शिफ्ट इन अ 6 मंथ फ्रॉम दिस पीएमएस टू दिस पीएमएस. सो आई हैव टू बी अ परफॉर्मर. एंड हाँ, परफॉर्मेंस में हो सकता है कि रोहित ने 60% रिटर्न दिया, रोहन ने 50% रिटर्न दिया, दैट्स ओके फॉर एन इन्वेस्टर, वो माइंड नहीं करेगा. पर रोहित ने 60% दिया और रोहन ने 10% दिया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर एन इन्वेस्टर, राइट? सो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज ऑफ बाइंग समथिंग. सो लाइक वन ऑफ माय इन्वेस्टर टोल्ड, जस्ट यू नो इन कन्वर्सेशन वी आर टॉकिंग, दे रोहन व्हाई रिलायंस इज नॉट इन योर पोर्टफोलियो, एंड आई टेल टू माय क्लाइंट्स दैट बिकॉज इट इज नॉट आउट परफॉर्म मार्केट्स, बिकॉज माय की धर्म इज दैट माय फंड शुड आउट परफॉर्म निफ्टी 500, दैट्स माय धर्म. If I'm not doing it, मैं best of best quality ले लूँ कोई काम नहीं है. और if I'm doing this, I have worst of the worst quality, client will not mind it. So this is what. So like coming back to the point is Nifty 500 of long-term investing. Now in this journey क्या हुआ कि जैसे पता चला कि यार सिर्फ इससे decision नहीं लेना है, इसमें गलत भी हो सकता है कभी. कि भाई तेजी में तो 5,000 stocks आ जाएंगे, तो कैसे आप decision लोगे रोहन? ठीक है, तो ये तो आपको डिसीजन नहीं लेना है. तो सेकंड पॉइंट इज यू इन्वेस्ट इनटू ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स कंपनी ओनली. ओके, सो पहला स्टॉक ऑल टाइम हाई प्राइस, देन द स्टॉक शुड हैव ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स आल्सो. नाउ व्हाई ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स? नाउ एवरी कंपनी का अलग अलग सेगमेंट है. आप फार्मा को रिव्यू करेंगे तो अलग लेवल से रिव्यू करेंगे, बैंक को अलग लेवल से रिव्यू करेंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी को अलग लेवल से रिव्यू करेंगे, आईटी कंपनी को अलग लेवल से रिव्यू करेंगे, बिकॉज सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट एंड थियरी आपको देखनी है. पर एक चीज जो फंडामेंटल है वो है प्रॉफिट्स, उसका कोई तोड़ है ही नहीं. मीन्स आप कुछ ना भी बात कर लो कि मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये है, मेरा ये वो है, लास्ट में क्या बात करेंगे, कंपनी पैसा कितना बनाती है. ठीक है, तो हमने क्या किया है कि ये पूरा निचोड़ एक पॉइंट पे ले लिया कि प्रॉफिट कितना बनाती है. जैसे आई एम श्योर आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके पापा बोलते होंगे या मम्मी बोलते होंगे कि भाई तू कितना भी पढ़ रहा है, तेरा रिजल्ट क्या आया, राइट? कि भाई फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि तेरा रिजल्ट क्या आया. सो हमने क्या किया कि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स थियरी करेंगे तो मैं कंस्ट्रक्शन के लिए मैं अलग फंडा देखूं, इसके लिए अलग फंडा देखूं, नहीं, हम प्रॉफिट पे फोकस करते हैं. कंपनी प्रॉफिट बना रही है क्या?
तो प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आया, ये अभी रिसेंट एडिशन हुआ है कि भाई थर्ड पॉइंट ये आया जो मेरे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, उसका नाम भी रोहन है, उसने मुझे बताया कि यार रोहन अपना फंडामेंटल पॉइंट ये है कि कोई भी स्टॉक देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यू आर अ क्रिकेट फैन, आईपीएल फैन, या ठीक है, तो आज हैदराबाद या यू नो राजस्थान की बढ़िया कर रही है बिकॉज उसके इंडिविजुअल प्लेयर जितने भी एवरेज है उससे ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज द रीजन दे आर डूइंग वेरी वेल। सो आपके टीम में या आपके टॉप परफॉर्मिंग में ऐसे 20-30% स्टॉक्स या परफॉर्मर चाहिए जो एवरेज से ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका विनिंग स्ट्रिक होने वाला है, ठीक है। तो भाई ऐसे कैसे फाइंड किया जाए कि वो विनिंग स्ट्रिक होगा, उसको क्वांट में कैसे डिवाइड करें, तो हमने क्या किया, उसको हमने चेंज कर दिया कि भाई जो कंपनी निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रही है उसी में पैसा डालेंगे, ओके, ठीक है। तो अभी निफ्टी 500 को तकरीबन 2 साल के सेगमेंट में देखते हैं कि वो उसको आउट परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एचडीएफसी बैंक निफ्टी 500 को 25% से अंडर परफॉर्म कर रही है। अभी एचडीएफसी इज अ क्लासिक बैंक, क्लासिक स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, जो मैं और आप डिबेट भी नहीं करोगे उस पॉइंट पे, पर मेरे इन्वेस्टर के लिए वो क्लासिक नहीं है क्योंकि वो निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म कर रही है। साइमल्टेनियसली फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी कॉल्ड बजाज ऑटो इज 200% आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 500 वर्सेस हीरो होंडा इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी 500। एग्जैक्टली। सो अगर मेरा स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है और वो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म भी कर रहा है, तो फिर हो गया कि आपको ये वो बोलते हैं ना लुला पुलाजा मिल गया, जो वॉरेन बफे बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने सोचा कि यार और क्या कर सकते हैं इसमें, तो हमने सोचा कि यार ऐसा भी करें कि कंपनी में वैल्यू और प्राइस का भी एक क्वांट बनाए, ओके, वैल्यू कंपनी की यहां है और प्राइस यहां है, क्योंकि 10 साल में कंसोलिडेशन में स्टॉक का प्राइस यही रहा और प्रॉफिट बढ़ गया उसका। सो कोई भी कंपनी जब रीरेटिंग पी होगा उसका तो प्राइस वैल्यू को मीट करने आएगा, और ऑपोजिट भी है, जब प्राइस यहां पे है और वैल्यू यहां पे है तो प्राइस वैल्यू को मीट करने आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत अच्छी कंपनी है जो टूटती है तो लोग बोलते हैं यार इतनी अच्छी कंपनी कैसे टूट गई, बिकॉज उसकी वैल्यू यहां पे हो गई पर प्राइस यहां पे है तो वैल्यू प्राइस को मीट करने आया। सो दैट इज बट द क्वेश्चन इज वो वैल्यू हम लोग डिटरमिन कैसे करें उसको? नहीं नहीं, मैं आऊंगा, एग्जांपल दूंगा आपको, पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी टू इट। एंड लास्ट इज दैट कि कंपनी में कुछ टर्न अराउंड हो रहा है क्या, कि कंपनी 10 साल से एक ही भाव पे थी और अचानक ऑल टाइम हाई हुआ, तो कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ चेंज है, कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ चेंज है, कंपनी के विजन में कुछ चेंज है, या ओवरऑल इंडस्ट्री में ये सेक्टर या कंपनी को कुछ अलग माइलेज मिल रहा है। जैसे आज तक रिन्यूएबल को कोविड के पहले कोई देख भी नहीं रहा था, और आज रिन्यूएबल को 200 का पी दिया जा रहा है, पहले पावर कंपनी को कोई देख ही नहीं रहा था, आज पावर कंपनी को पूरा पी एक्सपांशन हो गया है, तो कुछ तो अलग हो रहा है, वो भी मुझे निकालना है। तो ये 5 चीज इस पॉइंट, इसमें यू हैव एनी क्वेश्चंस? नहीं, आई थिंक यू आर गोइंग टू कवर देम इन द लेटर पार्ट। श्योर। सो आई विल टेक यू टू द पॉइंट ऑफ दिस इज हाउ वी डू आवर क्वांट्स। ओके, सो हर स्टॉक का रिव्यू होता है जिसमें स्टॉक ऑल टाइम हाई प्राइस पे कौन सा है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट कौन सा है और आउट परफॉर्मेंस है कि नहीं। जैसे ये तीन इतने स्टॉक वो दिन पे, ये डेट है 26/3/2024 पे ये सब स्टॉक्स आ रहे थे जिसमें ब्लू जितने स्टॉक्स है उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट्स है ऑलरेडी, और ये रेड स्टॉक्स है जिसमें हमने रिसर्च किया है, हमने कहीं ना कहीं हमको ये टर्न अराउंड स्टोरी नहीं मिली या वैल्यू और प्राइस का मैच नहीं मिला, तो इसीलिए वो रेड आउट हो गए मेरे सेगमेंट से, और इतने स्टॉक्स हैं जिसमें मेरे मुझे देखना है कि इसमें हो रहा है कि नहीं। ये पॉइंट सेकंड, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सॉरी आई थिंक सो आई हैव डन, हां सी
जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कंपनी के नाम के साथ, तो ज्यादा समझ में आएगा। पर ये अगेन दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। दूसरा, ये सब स्टॉक में बात कर रहा हूँ ये हमारे फंड में इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, राइट? सो ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है ये थियरी समझने के लिए। सो आप अगर पीएफसी देखोगे, पीएफसी तकरीबन 13 साल तक एक ही प्राइस पे रहा, देख सकते हो यहाँ पे। अचानक वो 160 से ऑल टाइम हाई चालू हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे रोहित, ये 2 के PE पे मिल रहा था 7 के डिविडेंड यील्ड पे, ठीक है? तो ये आप देखो कि एक साल में ही कितना हुआ। सो देयर इज अ कोट कॉल, इन डिकेड्स नथिंग हैपेंस एंड इन वीक डिकेड हैपेंस। सो आपका एक साल में जितना उसने 13 साल का रिटर्न नहीं दिया था, उसने एक साल में रिटर्न दे दिया, ठीक है? अभी तो जर्नी चालू हुई है। पर सेम टाइम इफ यू सी रोहित, मार्च 14 में दिस कंपनी यूज्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 crores, एंड व्हेन वी बॉट दिस कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 18,000 crores। सो द प्रॉफिट वॉज नियरली अबाउट 3.5 times हायर, बट द प्राइस वॉज सेम। सो योर वॉल्यूम वैल्यू वॉज ओवर हियर, बट द प्राइस वॉज ओवर हियर। सो प्राइस स्टार्टेड विल कम टू मीट द value, and if you see the niche ki line over here, this was outperforming Nifty 500 also. So 100 ke niche is underperforming and 100 ke upar is outperforming. Because see, bahut log bolte hain mujhe stock kyu lena hai. Main aapko puchta hu, hum stock mein nivesh kyu karte hain? Profit ke liye na, right? But wo to aap ETF bhi le sakte ho, to stock kyu lete hain? Because you want that your stock should outperform the Nifty returns, yeah, Nifty 500 returns, right? Yeah. तो ये आप लेते हो, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है आपको लेने के लिए। तो आप ETF ले लो, Nifty ले लो, या Nifty Junior भी ले लो, या Bank Nifty ले लो, आपको कोई लेने की जरूरत ही नहीं है कोई stock. So if your stock is not outperforming Nifty 500, it's a sincere concern to all of us that why it is in your portfolio, right? I'll give you another example. Is OFSS, Oracle Financial Services, 10 साल से स्टॉक में, एंड देन इट डिड एन ऑल टाइम हाई, 1300 करोड़ वाला प्रॉफिट 2100 करोड़, एंड यू सी द स्टॉक वाज आउट परफॉर्मिंग। स्टेप 1, 2, 3 जो हमने बात की, बजाज ऑटो क्लासिक एग्जांपल, नियरली अबाउट 8-9 years नथिंग हैपेंड इनटू द स्टॉक। द आई एम ऑल टॉकिंग इज बेस्ट कंपनीज, मीन्स वो मैं छोटी कंपनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे आप बजाज ऑटो में, तो यहाँ पे एक सुपर टर्न अराउंड स्टोरी हुई। सामने प्रॉफिट 3300 करोड़ का था, प्रॉफिट 7400 करोड़ का हो गया, नियरली अबाउट मोर देन डबल द प्रॉफिट, प्राइस सिमिलर, एंड निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है। देन यू सी अ क्लासिक स्टोरी ऑफ वॉल्टेम्प। So Voltem is a power transformer company with zero debt, means its reserves were equal to its market cap. 12 years nothing happened into the company. And 12 years ke baad, and you see the profit, 26 crore ka profit went to 290 crores. Profit went 9x higher, price same, and the and Nifty outperformance also there. Abhi aap samjho ki stock all time high after a longer consolidation, profit at all time high, Nifty 500 all time high. Then there is what to lose into that company. Actually, what you are doing is you are buying the undervalued stocks, jinka humko lagta hai ki ab value catch up hone wali hai. Yes, but mujhe nahi lagta hai. Ye data keh raha hai. Data keh raha hai. But because bahut log mujhe puchte hai jab main TV pe jata hu, idea value hai ki nahi hai. But idea mere mein aa hi nahi sakta because idea ko all time high nahi hai. Idea profit nahi karta hai all time high pe. और निफ्टी 500 को आउटपरफॉर्म कर रहा है, पर आई डोंट केयर बिकॉज़ वो फर्स्ट टू चैनल तो क्लियर ही नहीं हो रहे हैं मेरे। एक क्वेश्चन है मेरा, ओके? प्लीज। आप ज्यादातर यहां पे मंथली चार्ट्स देख रहे हो? ये दिस आर ऑल ईयरली चार्ट्स। ईयरली चार्ट्स हैं और ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए है यहां। यस। सेकंड थिंग इज, आपने जो इसके अंदर नीचे एक बनाया हुआ है आउट परफॉर्मेंस और टू बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है? इसके पीछे आप कैलकुलेशंस यूज करते हो, वो इजीली अवेलेबल है हर किसी के? नहीं, इजीली अवेलेबल, इसको कुछ नहीं करना है आपको। आपको ये तो मेरे पास सब प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स है बिकॉज़ ऑफ कोर्स वी मैनेज फंड्स, पर आप कुछ नहीं करो। आप 2 साल के या 1 साल के चार्ट में निफ्टी 500 को और आपके स्टॉक को कंपैरेटिवली एनालिसिस में रख दो ना। ओके। ये तो आपको कोई भी वेबसाइट में मिल जाएगा,
आपको उसके लिए प्रोफेशनल कुछ लेने की जरूरत, और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए आपको पैसा कुछ स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको चार्ट मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू या investing.com में, आपको आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा स्क्रीनर में, और आपको ये कंपैरिजन तो कोई भी वेबसाइट में मिल जाएगा। Yeah, I am running some ideas right now. Right. So you, I am not telling you to buy a bumbo jumbo software to buy it, but here the whole game is not here the whole game is not software. Here the whole game is whole discipline and conviction to hold on for a longer period of time. Because these are not short term trades. These are 5-10x trades in coming time. So I'll give you one. But yeah. Then also for an idea purposes, अगर since you are managing a big fund, ठीक है, allocation के ऊपर आपने कहा था कि आप आओगे एक time पे, ठीक है, but आपने इतना कुछ किया, you are now selecting a stock based upon कि उसका price कैसे perform कर रहा है, then you are looking at कि उसके profits कैसे perform कर रहे हैं, then you are seeing at कि वो benchmark के against किस तरीके से perform कर रहा है, Nifty 500 के against, ठीक है, या जो भी है, उसके बाद आपका success ratio कितना आता है उस चीज के ऊपर, मतलब when you look at the whole basket. Yeah. So honestly, I'll tell you, we never measure by the success ratio. I'll tell you why. Because अपने लिए 10 में से 8 7 right हुए या 7 right हुए वो मतलब ही नहीं है. If we go 2 right also, but that 2 right इतना quantum leap में right हुआ, तो it will take care of all the profitability you can create. I'll tell you why. So, आज आपको समझो कि आपने 10 स्टॉक ऐसे लिए, 20 स्टॉक ऐसे लिए, जिसमें 5-5% एलोकेशन दे दिए, ठीक है? और आपके 10 स्टॉक एग्जिट हो गए, जो भी आपका एग्जिट पॉइंट है, जो मैं बात करूंगा, पर आपके 5 स्टॉक 10-10x या 5-5x भी हो गए, तो योर प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ बिग कंसर्न. बट इफ यू से ऑन अ प्रोबेबिलिटी नोट, I would be saying 70% we go right and 30% we may go wrong. But that 30% of wrong doesn't pinch us a lot because we have our exit points very clear. I'll show you in the upcoming presentation for giving you an understanding. So now we quote three stages. Humne samajh liya, all-time high, yeah, profits. Yeah. I'll go to the third stage is value is higher than price, jo maine baat ki. तो उसमें बहुत सारे फैक्टर है, पर मैं क्वांट की बात करूंगा तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के हिसाब से पीएफसी की बात करते हैं. ग्रीन है प्राइस, वो टाइम में 10 साल में प्राइस कैसे रहा और सिमिलरली प्रॉफिट का ट्रेंड कहां रहा, तो आप देखोगे प्राइस एक पे है मोटा मोटी और प्रॉफिट 3.4 टाइम्स बढ़ गया है. तो आप देखो यहां पर हमने बाय किया था तो प्राइस वहीं पे था और प्राइस, जैसे मैंने आपको बोला, प्राइस वैल्यू को मीट करने आया. यस, चीज आप देखोगे ओरेकल फाइनेंस में प्राइस वही के वही रहा और प्रॉफिट बेसिकली आप एक बेस ईयर लेते हो, उस बेस ईयर के ऊपर आप यू आर लुकिंग एट कि व्हाट इज द स्टार्टिंग प्राइस एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग प्रॉफिट एंड देन यू स्टार्ट प्लॉटिंग इट कि हां वहां से कितना टाइम क्या इंक्रीज हो रहा है एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यू एंड द प्राइस. परफेक्ट मेक सेंस. ओके And then we see the fifth story. Now, fifth story is subjectively, हमने उसको quant में चेंज कर दिया है, पर बहुत लोगों को इतना easy नहीं होगा quant में चेंज करना. तो अगर वो कोई फोर स्टेज तक ही करे तो भी कोई इशू नहीं है. हम देखते हैं बिकॉज हमारे पास स्टॉक बाय करने के लिए बहुत प्रोविजन्स नहीं है. We only buy 15 companies, 15 companies in a portfolio. So, हम क्या करते हैं, कंपनी को देखते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टीवीएस मोटर, अगेन दिस आर ऑल होल्डिंग इन आवर पोर्टफोलियो. टीवीएस मोटर में टर्न अराउंड था क्योंकि इट वाज कमिंग अप विद द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंपनी, ईवी कंपनी इन इंडिया. सो आप देखोगे, लिस्टेड प्लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, आप देखोगे कि चार टू व्हीलर कंपनीज है इंडिया में, हीरो, होंडा, बजाज और टीवीएस, टॉप फोर की बात कर रहा हूँ. फिर आपको आईशर भी आता है, फिर चार पांच और लोग भी आते हैं. तो TVS was the first mover advantage of EV business in India. So that is where that is where my point is. तो ये हमने देखा, जैसे PFC में EV को इतना ज़्यादा मिल रहा था, तो हमारा point था कि भाई EV को मिल रहा था, power कौन देगा? Power तो finance एक ही company कर सकती है इंडिया में, और ये आज की date में 25,000 crore का profit कर रही है.
और BLS International एक कंपनी थी है रेदर हमारे पोर्टफोलियो में, जहां पे ट्रैवलिंग की बात करते हैं तो ट्रैवलिंग की बात में ये चीज आई, तो यहां पे भी टर्न अराउंड स्टोरी दिखी हमको। सो टर्न अराउंड होना इसीलिए जरूरी है कि अगर टर्न अराउंड फैक्टर होगा तो आप ये स्टॉक को लंबी रेस में खींच सकते हैं। अगर ये नॉर्मल होगा तो वो लंबी रेस में टिकेगा नहीं, वो कंपनी उसको पी री रेटिंग नहीं मिलेगा। अगर वो पी री रेटिंग नहीं मिलेगा तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ही उसका प्राइस बढ़ेगा, पर पी री रेटिंग मिलेगा तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर 1 or 2x उसका प्राइस बढ़ेगा, एंड दैट इज वेयर अ फंड मैनेजर कम्स इनटू अ प्ले, राइट? सो दिस इज अ होल मॉडल ऑफ टॉप 5 सिलेक्शन ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग अ स्टॉक क्वांट मॉडल पे। सो अगर आप चार, अगर अच्छा, बहुत इन्वेस्टर आपको शायद वो भी पूछेंगे आपके व्यूअर्स कि यार ये हम मैनेजमेंट को कैसे पूछ सकते हैं, आप रोहन तेरे पास तो एक्सेस है बिकॉज यू आर अ फंड मैनेजर। ऑनेस्टली आपको बहुत एक्सेस की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ कॉन कॉल्स वगैरह सब कुछ आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाता है। Okay. तो आप कॉन कॉल्स भी सुन लोगे, अगर आप मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी सुन लोगे उसके जो कॉन कॉल्स में है, तो भी आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि भाई इसका क्या टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, तो ये कर सकते हैं। तो ये हमारा 5 मॉडल का स्क्रीनिंग प्रोसेस है। तो ये है स्टॉक, द फर्स्ट सिलेक्शन स्क्रीनिंग में, देन वी एज आई टोल्ड वी मीट मैनेजमेंट विच आई ऑलरेडी पुट के जूम पे बात करते हैं कि क्या आपका टर्न अराउंड स्टोरी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सेरा। सो नाउ सेरा वाज वन ऑफ द क्लोजेस्ट, आई लव दैट कंपनी। How a Gujarat-based company can make this a big brand Morbi ki company? Sab kuch right tha. Stock all-time high, profit all-time high, outperforming Nifty 500. But we didn't find value was higher than price. So that is the reason we didn't buy. And the stock came for 30-35% down from its all-time high. So that was certain examples where we have invested time and energy and it didn't work, because yahan pe na nahi investment kiya waisi company zyada hai, because we meet like 100 management aur usme se 5-6 companies hum buy karte hai to understand it more near and dear, right? Now we come to review, because that is a very important point of it. Review kaise karna hai? So what we do is that every week we review our stocks. 90% retail कहाँ पे गलत हो जाता है कि वो जो performing stock है उसको बेच देते हैं, underperforming को average करते हैं. And institutions और fund क्यों पैसा कमाते हैं ज़्यादा? Because वो exactly उल्टा करते हैं. Performing को ज़्यादा leverage देते हैं और underperforming को निकाल देते हैं. तो हमने क्या किया? हमने जैसे ये 13 stock है. तो हमने क्या किया? तीनों को हमने स्ट्रक्चर दिया कि कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर है उसको 1 point दिया जाएगा, और TTM प्रॉफिट के ऊपर है तो उसको 1 point दिया जाएगा, और स्ट्रेंथ 100 को आउटपरफॉर्म कर रहा है तो उसको 1 point दिया जाएगा, ठीक है? तो आज की डेट में भाई चलो हमने रिव्यू किया हर वीक मंडे में, तो कितने स्टॉक है जो 111 point के ऊपर है? तो भाई 3 है। तो 3 को तो आपको सोचना नहीं है कि आपको एग्जिट करना है, बिकॉज ये तो भाई टेक्निकली भी बहुत अच्छा है, प्रॉफिट भी बढ़िया कमा रहा है और आउट परफॉर्मिंग कर रहा है, तो भाई ये तो सबसे बेस्ट कंपनी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आज CSK में ऋतुराज गायकवाड़ को तो कोई नहीं निकाल सकता है, राइट? पर मैं निकालूंगा किसको? कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल शायद अजिंक्य रहाणे को मैं सोचूंगा अंडर परफॉर्मर है, इसलिए यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? नाउ 2 इज द पर्सन जिसने माइल्ड परफॉर्म किया है, तो उसको हम रिव्यू करेंगे पर उसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि शायद एक आध क्वार्टर खराब हो गया, शायद वो टाइम खराब हो गया, तो उसको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि ठीक है, लेट्स वेट फॉर द स्टॉक टू कम, आइदर 3 में आए या आइदर 1 or 0 में आए। जो स्टॉक 1 में है उसको तो भैया हमको रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। तो दैट इज वेयर हम कंसिस्टेंटली देखते रहते हैं कि 1 को और 0 को कैसे एग्जिट करके, देखो 1 है तो उसको रिप्लेस करो और 0 है तो उसको एग्जिट करो, सिंपल है। क्योंकि 0 या हो गई कि वो लॉन्ग टर्म एवरेज के भी नीचे है, प्रॉफिट भी नीचे है और अंडर परफॉर्म भी कर रहा है,
तो उसमें तो दो राय थॉट है ही नहीं आप उसको क्यों रखना है आपको ठीक है. तो दैट इज वेयर इट इज लाइक आई विल गिव यू अगेन अ क्रिकेट बिकॉज़ आई एम क्रिकेट बफसी सो आई विल टेल यू और आईपीएल फीवर भी है तो यू नो एक मजा अलग है. मींस अगर बंदा बैटिंग भी नहीं कर रहा है बॉलिंग भी नहीं कर रहा है फील्डिंग भी नहीं कर रहा तो उसको तो टीम में कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए ठीक है. तो मैं हमेशा से पोर्टफोलियो को क्रिकेट टीम की तरह ही देखता हूँ. ओके एज अ कैप्टन मेरा काम यह है कि बेस्ट 11 प्लेयर को लेना है. 11 सेंचुरी नहीं मारेंगे पर मेरा कर्तव्य यह है कि 11 फिटेस्ट फॉर्म में है उसको ही लेना है. तो शायद दो लोग परफॉर्म बहुत अच्छा करें बैट्समैन और दो लोग बहुत बॉलर अच्छा परफॉर्म करें तो मेरी टीम की जितने की चेष्टा है वो हाईएस्ट लेवल पे आ रही जाएगी ठीक है. तो दिस इज माय डिसीजन रिव्यू प्रोसेस. ये मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन में किया है क्योंकि उसको मुझे बम्बो जम्बो नहीं करना था वरना अपने जो निवेशक है उसको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा यू नो. यू हैव सिंप्लीफाइड द प्रोसेस अ लॉट. या सो दैट इज सी I'll tell you that if it is not simplified, it looks very sexy, but it is not easy. It is not easy to be done. Yeah. Because अगर वो लगता है जैसे वो बहुत लोग बहुत स्क्रीन लेके बैठते हैं ट्रेडिंग के लिए, right? But do I ask them that does it make your profit more better? No, no never. No, it doesn't. It's like telling Virat Kohli that if you have 100 bets, can you bet better? Yeah, exactly. No, you can't. Because you want a more disciplined, simplified process that you can execute in any condition and anybody can do it. So tomorrow, if my teenager daughter comes in my company and says that, Dad, what process I should select a stock? She would get 80% of 90% of it. Itna simple hona chahiye. But I'll tell you, simple is very hard to find, but very So very hard to find, easy to understand, but very extremely hard to execute. Because hamara hai na, hamara ek thought hai, hamare hard ya boring. Dono means very hard to execute. Because isliye main aa raha tha ki hamare yahan pe ek thought hai ki bahut easy hota hai na, humko lagta hai ye chalega nahi. Exactly, and because most of the time it's boring actually. It's boring. So nahi logo ko jaise for example kisi ko bolo, I'll tell you, your mom, my mom. Has made more money being simplified as an investor in gold than we would have made money. Yeah. Right. Why? Because they were very simple. They had a very clear understanding. Diwali mein gold lena hai, shaadi mein gold lena hai, bacche ke birthday pe gold lena hai. Simple. Usko koi dusra thought nahi tha. Exactly. My dad has made more money by investing and forgetting than investing and doing businesses. Because that's where it looks very simple and simple multiplies very much higher, right? Yeah. So that is, I believe it very closely that don't make it complex because complex is looks sexy but doesn't work. यहाँ पे तो हिमाचल के अंदर तो यहाँ पे नई एक dimension और add होगी हुई है ना. If you have to buy the gold, शादी से 6 महीने पहले buy करो ना. Yeah. I married at 12,000 of gold, right? So I thought at that time it was all time high. Yaar, kya paisa kar kitna hi aur badh jayega? Aadhi 70,000 hai. And so what you are exactly doing is you are finding the stocks that are at all time high, theek hai? Fir uske baad wo undervalued hain ya fir matlab unki value bhi jo hai value ko touch karne ki taraf wo jana chahte hain. Unki value unki price se zyada upar hai, theek hai? Then you mentioned कि आप उनकी PE ratio भी देखते हो किसी ना किसी time पे कि वो भी increase होनी शुरू हो रही है, ठीक है? And this actually makes sense because मैंने जितना अभी तक market में experience किया है, एक time होता था जब हम लोग ये पढ़ते थे कि अगर किसी stock की PE ratio जो है वो ज़्यादा high है, it was considered bad, but slowly and steadily that thing changed कि अगर किसी stock की PE बढ़ रही है तो वो और बढ़ सकती है. But now इस stock के all time high जाने का प्राइस का वैल्यू की तरफ चलना स्टार्ट होना, पीई का इंक्रीज होना, ये सारी चीजें जो हैं ये एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क करती है, ठीक है? इनका एक एग्जैक्टली कॉन्फ्लुएंस पॉइंट कहां पे आता है व्हेन यू से कि नाउ आई एम गोइंग टू बाय, दैट इज द क्वेश्चन. सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज कि आपने एक स्टॉक सिलेक्ट करना है विच इज ब्रेकिंग द ऑल टाइम हाई, ठीक है? देन उसका प्राइस जो है वो अपनी वैल्यू की तरफ को चलना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? उसकी
पीई रेशियोज है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है. देर इज प्रोबेबली सम टर्न अराउंड स्टोरी ऑफ द स्टॉक ऑल्सो, ठीक है. आपके लिए वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट कहां पे आता है व्हेन यू से कि नाउ आई एम सिटिंग ऑन माय कंप्यूटर आई हैव टू बाय दिस स्टॉक. द बिग ऑल द फाइव क्राइटेरिया मीट्स, जहां पे वो सारे के सारे मीट हो गए, यू जस्ट बाय इट, यू डोंट ट्राई टू टाइम इट फर्दर. नो नो नेवर. आई हैव मेड सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस इन इंटरव्यू, व्हाट इज योर बिगेस्ट लॉस इन लाइफ, राइट. आई फील माय बिगेस्ट लॉस इज द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ, बिकॉज़ बिलीव मी इफ यू हैव अ प्रोसेस एंड इफ यू हैव अ आपका जहां पे प्रॉफिट अनलिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड माने कि आप कोई 100 रुपए की चीज 110 में नहीं बेचने वाले हो, वो जितना लंबा जाए उतना बैठने वाले हो, तो आपका मैक्सिमम डाउनसाइड बड़ा है ही नहीं. आपका मैक्सिमम डाउनसाइड 15-20% आपका जो एग्जिट पॉइंट है वहां पे आके अटक जाएगा. पर आप इफ यू आर राइट, द लेवल ऑफ मनी यू आर गोइंग टू मेक इज सो रिडिक्यूलस ऑन अपसाइड, या व्हिच यू नेवर सी. आई टेल यू, इन माय लाइफ आई टर्न 40, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग, वर्स्ट यू कैन कैलकुलेट, ग्रेट यू कैन नेवर कैलकुलेट. Yeah. Why you cannot calculate great is because great कितना great होगा वो आपको पता ही नहीं है. I'll give you an example. We bought a company BLS. We sold TCS to buy a BLS because TCS was not outperforming, right? Now that made 400% return in last 1.5 years for us. So agar if I would have gone wrong, I would have gone 15% 20% wrong in BLS. But today, if I have been right, I have been 400% right in BLS. So that makes a huge difference in your life. But there are two more questions from my side. Yeah, sure. One question is, जब हम लोग investment की बात करते हैं जो इतने लंबे time के ऊपर होती है, ठीक है, it's very good to hear about a CAGR of 21% or 22% or 25%, ठीक है, वो एक long term average होती है. How do you get through the period jahan pe stocks are not performing even when you're doing everything right? Yeah, 2021-22 after Russian war was the classic example. Yeah. Okay. But believe me, Rohit, I think so. For us, every tough time comes with a lot of learning. Right? For me at that time, learning was that not to invest out of Nifty 500 stocks. Okay. That time my learning was that my system should be more robust than what my selection process has to be more robust. So aaj ye main aapko process dikha raha hu, ye process pehle nahi tha itna robust. And I'm sure hum next year baat karenge to isse bhi robust process hone. But I believe that two things, internally as a fund manager or an investor, it is a great time to learn that what went wrong, because in success or in good time you never learn, you do only mistakes only. And in best time, you never make money, but you learn a lot, right? And so, yeah, बोलिए आप. नहीं, आप कुछ बता रहे हो, मेरे को वो सुनने में ज़्यादा interest. So मेरा point ये था कि मैंने जितना खराब time पे सीखा है, तो ये एक चीज़ है. पर when you come as a fund manager, a investor doesn't allow you to give you a second chance in life. He will take money from me and give to Rohit, and Rohit से पैसा लेके मेरे को दे सकता है, वो हो सकता है. पर वो आपके पास दूसरी बार आए, उसका chances बहुत rare है. So as a money manager or a fund manager or a portfolio manager, we make sure that we have to outperform our Nifty 500. Okay. तो अगर Nifty 500 10% टूटता है, तो हमको 10% से कम तो टूटना ही पड़ेगा. And second thing, when you are managing that kind of money, how do you hedge your positions? Or because I think kuch aise bhi rules hote hain where you are not allowed to dangle into the options part as a fund manager. Us time ko aap kaise manage karte ho? So humne na bahut sari strategies banayi hai because we are coming with an AIF for options also, but ये सब स्ट्रेटेजीज इन्वेस्टमेंट में चलती नहीं है. बिकॉज सी आई टेल यू, इट इज लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या नहीं है. सो मेरा हेजिंग एक ही पॉइंट है, मेरा एग्जिट पॉइंट. बिकॉज इंडिया में अभी तक के हिसाब से देखो, दूसरा ऑप्शन है कि आप स्टॉक के सामने कुछ हेज करो, ऑप्शन राइटिंग करो, ये वो करो. इसमें क्या होता है, जैसे एक अच्छा साल है ना, वो पूरा रिटर्न को बैंड कर देता है.
सो बेसिकली पोजीशन साइजिंग आपकी वर्क करती है आपके फेवर में. परफेक्ट. और मैं एलोकेशन में जब आऊंगा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम रिस्क मैनेज करते हैं. पर हमारा मोटा मोटी रिस्क मैनेजमेंट दो लेवल्स है, एलोकेशन और अवर एग्जिट पॉइंट्स. ओके ठीक है. ऐसे ही हो सकता है बिकॉज अगर मैं निफ्टी से हेज करूं मेरी पोजीशन फॉर एग्जांपल, सो निफ्टी और स्टॉक बहुत रेंडम चलते हैं अपने आप में. या वो हेज हो ही नहीं सकता. या तो फिर मैं लेवरेज हेज करूं वो मतलब नहीं है बिकॉज वो सेबी अलाउ नहीं करती है आपको करने में. या तो I'll take to the example of how we do it. So generally we are talking on exit. So like for example, we made 7x, 8x in SRF and we exited when there was non-performance, if you can see over here. Yeah. Drop on the profits and drop on the underperformance. Yeah. Same thing with you see GNFC, so GNFC may underperformance, profit drop and then the stock went down. So the main curve, ye sab entry note, exit note ki baat nahin karte. The main portion comes over here is quant-based allocation. Yeah. So यहाँ पे बहुत important है कि आपका allocation कितना है. Because आपको कोई भी, हर एक निवेशक को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको कोई भी बोले कि ये stock ले लो, आपका दो question होना चाहिए. कब बेचूंगा? When I should sell in downside? Because upside में तो हम सब hero है, right? और कितना percentage मेरे portfolio का होना चाहिए? अगर ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, मतलब ये एडवाइस आपके लिए बनी ही नहीं है. सो हमने क्या किया कि हमने एक सर्वे किया हमारे इन्वेस्टर के साथ कि आपको कितना ड्रॉडाउन ले सकते हो आपके आपके पोर्टफोलियो में. तो एक एवरेज आंसर आया 15-20 के बीच में, परसेंटेज के बीच में. ओके. हमने 18% रखा. और हमने क्या किया कि 15 स्टॉक हम करते हैं काम, तो 18 डिवाइडेड बाय 15 कम्स 1.2% ऑफ द लॉस ऑफ एवरी स्टॉक. ओके. मतलब मैं अगर उसमें गलत हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो का 1.2% ही ट्रिगर होना चाहिए एवरेज. कभी कभी कोई ज्यादा भी थोड़ा हो जाता है, कभी कम भी होता है. तो ये कैसे पता चलेगा? तो अगर 15 और 1.2 है तो मैक्सिमम मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन आएगा 18%. ओके. सो आई विल गिव एन एग्जांपल. लाइक मैं कोई स्टॉक 100 रुपए पे ले रहा हूँ और स्टॉक 100 रुपए पे ले रहा हूँ और स्टॉक का एग्जिट पॉइंट है 20. मैं आपको आई विल शो यू इन in my you know Excel how we manage this whole software में भी दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये चीज़. Okay. So let us say somebody has a 1 crore of portfolio. Okay. ठीक है. तो उसने किया कि 120,000 का risk हो गया. 120,000 का risk कैसे आ गया आपको पता चल गया? जी कि भाई 18 stock divided by 15. अभी समझो कि कोई stock में 100 रुपए पे ले रहा हूँ और मेरा exit point है 80 रुपए. तो ऑटोमेटिकली मेरा एलोकेशन आ जाएगा 6%. यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. ठीक है. यही चीज आप आते हो जब ये स्टॉक 200 का हो गया और मेरा एग्जिट पॉइंट है 120, तब मेरा एलोकेशन 3% आएगा. सो ये सब स्टॉक अगर एग्जिट हो जाएंगे तो ही मेरा 18% का ड्रॉडाउन हिट होगा. जैसे कोई स्टॉक आता है, समझो कि कोई स्टॉक आता है 15,000 और मेरा एग्जिट पॉइंट है 10,000. जस्ट एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ. तो मेरा एलोकेशन मुझे पता है 3.6% का. तो अगर ये 10,000 का ट्रिगर हुआ, दैट मींस द वर्स्ट इज आई विल लूज इज 1.2% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो. ठीक है. एंड इफ दिस कंपनी इज सुपर्ब देन आई वुड नॉट माइंड टू लूज 1.2% ऑफ. ओके. मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ. मैं सिंपल वे में पूछता हूँ आपसे. ठीक है. हमने एक स्टॉक बाय किया, वो 100 रुपीज पे चल रहा है. ठीक है. हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट था वो कहता था कि 1.2% के लॉस के अकॉर्डिंगली लेट्स से वी आर गोइंग टू बाय दिस 1000 क्वांटिटी ऑन इट. ठीक है. नाउ द स्टॉक हैज डबल्ड फ्रॉम देयर. आपका टारगेट डबल का था, वो डबल का टारगेट पूरा हो गया. नाउ इट इज एट 200 रुपीज. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस स्ट्रेटजी देयर इज नो टारगेट. Okay. So you just ride the trend.
ओके सो यू रोड द ट्रेंड, ठीक है, दैट इज वन थिंग. इसके अंदर आप कभी ऐसा भी करते हो कि अपने जो पोजीशन साइजिंग होती है, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाता है, यू स्टार्ट रिड्यूसिंग इट एट सम पॉइंट? व्हेन वी फाइंड इट इज टू मच प्राइस हैज गॉन वेरी हाई देन द वैल्यू. एक बात होती है ना कि आपका जो स्टॉप लॉस था किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, लेट से आपने 18% पोर्टफोलियो स्टॉक की बात कर ली, ये 18% था लेट से ऑन अ करोड़. आफ्टर अ ट्रेंड ये 18 लाख का लॉस बनता है मोटा मोटा पोर्टफोलियो के ऊपर. सो इफ यू आर वर्किंग ऑन 15 स्टॉक्स, 1,20,000 का रिस्क आप पर स्टॉक के ऊपर ले रहे हो, ठीक है. नाउ वंस द ट्रेंड हैज कम एंड दिस वैल्यू हैज इंक्रीज टू लेट से 3 crores ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू स्टिल हैव दैट 15 स्टॉक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक है. अब आप अभी भी अपना वो जो स्टॉप लॉस फिगर है वहां पे उस पॉइंट पे उसी 1.2% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करोगे कि 3.2 crore, 3 crore के अकॉर्डिंग? मैं नया इन्वेस्टमेंट करूंगा तो नया स्टॉप लॉस देखूंगा, नए पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली, नए पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि करंट के आर पे इन्वेस्टमेंट विल कम एट एवरी पॉइंट ऑफ डिफरेंट डेट एंड टाइम. ओके, बट फॉर एन इन्वेस्टर इट आल्सो डिपेंड्स कि वो मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस में अभी क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बजाज ऑटो. Right, we bought it at 4,000 rupees, it went 10-12,000 rupees. Aaj mera exit point 8,000 rupees hai. To abhi wo free ho gaya mere liye technically. Log kya karte hai? Profit book karke bolte hai mera free ho gaya. Hum apna exit point revise karke free karte the. Okay. To mera aaj jab maine 4,000 pe liya tha, tab mera exit point samjho hoga 3,000 rupees. Just an example, mujhe yaad nahi. Aaj mera exit point hai 8,000 rupees. To technically to mera free ho gaya na. पर मैं इसलिए बुक नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज भी मुझे ऑल डेटा पॉइंट से वो रिव्यू प्रोसेस में वो स्टॉक कौन से नंबर पे है, 3 के नंबर पे है. ओके, तो मुझे बेचने का कोई पॉइंट ही नहीं है. पर अगर वो गलत होगा तो मेरा 8,000 रुपए है तो मेरा मोटा मोटी डबल पैसा होने वाला है. पर अगर वो 10,000 वाला 20,000 हो गया तो मुझे रोज क्यों नया स्टॉक फेच करने की जरूरत है? मुझे तो ये रैंकिंग पे जाना है, ये 3 पे है कि नहीं. अगर ये 1 है तो मैं निकाल दूंगा, पर अगर 3 या 2 है तो आई डोंट केयर कि क्या हो रहा है. सो वी गो बैक टू सेकंड. सो फर्स्ट होल प्रोसेस का मेन ये है कि यू शुड फर्स्ट डिसाइड व्हेन टू एग्जिट बिफोर यू एंटर अ स्टॉक. इसके लिए वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट कॉल एग्जिट मंत्रा, वेर यू कैन पुट अ स्टॉक एंड यू कैन नो व्हेन टू एग्जिट इन अ लॉन्गर टर्म. सो दैट वुड बी कमिंग इन. यू आर म्यूट. एंड आई थिंक दैट इज वेयर एआई कम्स इन. या दैट इज वेयर एआई कम्स इन. ओके. एंड सो डिसाइडिंग, और मैं इसलिए एग्जिट की स्ट्रेटेजी की बात नहीं करूंगा क्योंकि हर बंदे का एग्जिट स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है. कोई शॉर्ट टर्म होगा उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, कोई मीडियम टर्म होगा उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, कोई लॉन्ग टर्म होगा उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी. पर फॉर अस कुछ नहीं करो, 200 डीएमए भी ले लो ना, उससे ऊपर कोई बहुत बम्बो जम्बो चाहिए ही नहीं आपको, क्योंकि 200 डीएमए इज वन ऑफ द क्लासिक लॉन्ग टर्म ट्रेंड विच एनीबडी कैन फॉलो एंड इट इज अवेलेबल फ्री एवरीवेयर. ओके, राइट. तो 3 ये हो गया, बाकी का वो काम का नहीं है बिकॉज इट्स अ पीएमएस थॉट प्रोसेस कि हम एलोकेशन वो मॉडल अप्रोच नहीं करते हैं, जैसे जैसे रिस्क मैनेजमेंट आता है उसके हिसाब से करते रहते हैं. सो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ द प्रोसेस विच आई वांटेड टू डिस्कस ऑन क्वांट्स, दैट इफ यू हैव 5 rules और 6 rules इन टू योर पोर्टफोलियो यू कैन रियली मेक योर क्वांट एक्सेप्शनली सुपीरियर. इट्स वेरी सिस्टमैटिक. ओके, मतलब जो भी चीज़ें थी आई कैन रियली गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड आई कैन मेक इट माई सेल्फ टू. ठीक है, दैट इज़ द होल आइडिया दैट आई हैव गॉट आउट ऑफ दिस डिस्कशन. आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट कि एज अ फंड मैनेजर एआई के अंदर व्हाट आर द टूल्स दैट यू आर यूजिंग. सो ऑनेस्टली आई एम नॉट अ टेक गाय, सो आई डोंट अंडरस्टैंड मच. माई टीम डज इट वेरी proficiently. My point is to get data and to understand that what are the things which are happening.
right? But I think so. We are consistently coming up with something and something to make it more simple way. Also, we have taken outsourcing AI agency to make our data more better, because we understand that we are not AI creator or manufacturer, right? And limitation samajhna wo apne aap mein bahut badi vifalta hai, main aisa samajhta hun. But so, yeah. Then again, how do you think ki AI, agar aapka ek model already acha chal raha hai, that is fundamental. What kind of help do you expect from the AI? Yes. Very good question. So, ye model mein कैसे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स ज्यादातर रिटर्न बनाते हैं? ये जो मैं आज मॉडलिंग करता हूं मैन्युअली, ये पूरा डेटा सेंट्रिक डायरेक्टली आ जाएगा कि भाई डायरेक्टली दिस इज द स्टॉक, नाउ यू हैव टू पुट इट बिकॉज दिस टाइप ऑफ वेरिएशंस हुए हैं, उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज दिस मच इन टू दैट स्टॉक. तो सो वॉट इज ए आई ऑल अबाउट इज वॉट आई अंडरस्टैंड इज दैट आपका काम कम करके डेटा ड्रिवन तुरंत दे देना कि भाई आपको इंटरनल जाने में. एक आपको एग्जांपल देता हूं, जब मैं एमबीए में था तब इंटरनेट नहीं था, और रेदर इंटरनेट इंडिया में नहीं था, ऐसा भी बोल सकता हूं. तो और कंप्यूटर्स वे नॉट देयर, लाइक मैंने मेरे पास एमबीए में मेरा कंप्यूटर नहीं था, तो हमने हमारे एमबीए के लाइब्रेरी में जाके हम एक्सेल शीट पे एक 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 डेटा बीएसई के रोज के क्लोजिंग के डेटा डालते थे और खुद ग्राफ बनाते थे, और ग्राफ बनाने के बाद हम आते थे कि ये ट्रेंड है मार्केट का अभी के हिसाब से. आज वो चीज एक टिक में मिल जाती है आपको, और उसके लिए पैसा भी नहीं देना है आपको, ठीक है? तो आई थिंक सो एआई विल मेक आवर वर्क ऑफ डेटा इंटीग्रेशन मच इजियर एंड विल गिव अस अ पॉइंट टू टेल that okay, by this thing, this has more worked on you, so you should try this. Okay, understood. This is the end, I think so. I don't know if you have a question, I'm happy to answer. Right now, not much questions about it, because मुझे fairly सारा कुछ समझ में आ गया हुआ है, ठीक है? It's a very good systematic investment system. एक मुझे बात आपसे और पूछनी है, that is regarding the आप अपने पर्सनल लेवल पे एज अ फंड मैनेजर जो भी टूल्स यूज करते हो, आई नो दैट आर डिफरेंट, ठीक है, बट आई समवेयर सो कि आप एमी ब्रोकर भी यूज कर रहे हो? नो, वी डोंट यूज एमी ब्रोकर. यू डोंट यूज इट बिकॉज दैट? ओके, देन लेट्स फॉरगेट अबाउट. वी डोंट. सो वी यूज अ टेक्निकल सॉफ्टवेयर दैट इज स्पाइडर. हां, सो ये यूज करने के लिए वी यूज जनरली स्पाइडर स्क्रीनर एंड देन देयर आर इंटरनल कंपनी डेटा. बिकॉज़ एमी ब्रोकर स्पाइडर दे आर ऑल यू नो ओल्ड टाइम सॉफ्टवेयर्स दैट हैज बीन यूज्ड, प्लस स्क्रीनर वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड फॉर ट्रैकिंग द पीई एंड द प्रॉफिट्स, ठीक है, दैट इज अदर थिंग दैट वाज गोइंग इन माय माइंड. ओके, सो आई विल ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट. सो देयर आर नो क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड राइट नाउ, ठीक है, बट व्हाट आई विल डू इज रोहन, when I put this video out, I will be tagging you in the description. Sure. So that when the questions start pouring about this setup, you can directly take them on. Okay. About the so what we can do is also just an a lateral thought that agar if we have more questions and we can have more thing, and if this gets you more traction, then we can have an open house of asking questions. Okay. Done. That we can think of, because क्या होता है कि वो जब बंदा directly एक question लिखता है और उसका उसके sub questions तो होते ही है सबके पास, तो वहाँ पे एक थोड़ा easy point हो जाता है. Okay. But Rohit, you are doing great thing. You are making a great serving to the community, and really congratulate for it. Thank you. Because the whole idea was कि थोड़ा सा YouTube के अंदर ना उस तरह का material लेके आया जाए. Which actually helps somebody, because even sometimes as a trader I have queries ki mujhe search karni padti hai, and there are some great thumbnails out there, unke beech mein jao fir lagta hai ki yaar 20 minute waste karke bahar nikla hai. So we wanted to create something ki if you are coming here na, you are getting something jisko aap 3-4 saal baad bhi agar dekhoge to you are getting something out of it. So that was the whole idea, and I must thank you for coming here and sharing it. It was a pleasure, and I'll tell you one more thing before we end. You know, the funny part of Indian financial system is the guy who are very experienced, who are really doing, who are SEBI registered, are not been allowed to speak on stocks. Yeah, that and the one who
and the one who are allowed to speak on stocks? What's SEBI register? I don't know how it works in India. Means मुझे मैं टीवी पे मैंने जाना बंद कर दिया because my team ने मेरे compliance team ने बोल दिया sir you cannot speak on stocks. और मुझे लोग ने बोल दिया कि यार आपका सुन आपका यार बहुत अच्छे जो लेवल पे पैसा मैनेज करते हैं एक्सपीरियंस्ड है और जो जेन्युइनली यस बोलते हैं या ना बोलते हैं उसको हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये रियल फीडबैक होगा स्टॉक के लिए रिव्यू के लिए. पर जो दूसरे फीडबैक आते हैं जो यू नो हाउ इंस्टाग्राम एंड यू नो थिंग्स हैव वर्क स्टार्टेड टू वर्क राइट नाउ सो वहाँ पे देयर इज नो कंप्लायंस सो यू नो वेरी फनी बट या शेयर के साथ मगर नहीं करते नहीं एक बात बताओ शेयर के साथ तो बैठ के आप ऑलरेडी सेबी के साथ काम कर ही रहे हो ठीक है देन आल्सो यू आर स्पीकिंग अबाउट इट कि ठीक है इट इज रिडिकुलस दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज रिडिकुलस अबाउट द इंडियन मार्केट्स देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग ठीक है आई विल नॉट से रिडिकुलस बट आई विल से इट इज मोर फनी बिकॉज यू नो मेरे हिसाब से जिसका 20 साल मार्केट में हो गया है जिसके रियली जिसने बहुत अच्छा काम किया है मींस अभी देखो 20 साल में किसी की दानत गलत करने की नहीं हुई तो नेक्स्ट 20 साल में भी नहीं होती है exactly. Right? Generally, it's a human philosophy. But if I put my leg in SEBI's shoes, then I understand why they don't do it. Because क्या होता है कि आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो पीपल टेक मैं आपको मैं सीरियसली बोलूं आज से 15-17 साल से लोग आते हैं सोसाइटी में पूछते हैं कौन सा स्टॉक लेना जैसे आपने को भी पूछ लिया किसी ने पूछ लिया अभी मुझे ऐसा ऑनेस्टली लगने लगा है कि स्टॉक रिकमेंडेशन करना बहुत रिस्की है सेबी पॉइंट ऑफ व्यू भी छोड़ दो सेबी पॉइंट ऑफ व्यू तो बात ही नहीं कर रहा हूँ पर बिकॉज आई विल एग्जिट दैट स्टॉक आई डोंट रिमेम्बर मैंने आपको स्टॉक वो बोला था कि भी नहीं बोला था एग्जैक्टली हाँ तो फिर कल उठ के आप आओगे यार मैंने आपने बोला था यार आप तो निकल गए राइट और अभी मैं क्या करता हूँ जैसे कोई भी पूछता है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए मैं बोलता हूँ कि आप सिल्वर बीज ले लो और आप जूनियर बीज ले लो बिकॉज वहां पे आपको सोचना ही नहीं है कुछ और आपका 15-18% का केगर बनने की जगह है सो मुझे प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा है कि दैट इज अ वेरी गुड एक्टिविटी विच इंटरनली इन लाइफ आई शुड यू नो इसको डिसिप्लिन में लाना बिकॉज क्या है हम बहुत ऐसे छोटे से बड़े हुए हैं ना तो अपने को लगता है यार किसी और को भी की वेल्थ बना देते हैं पर ऑनेस्टली वो वेल्थ स्टॉक पूछने से बनती ही नहीं है प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमारे पास लेट्स से 1 crore है वी आर थिंकिंग अबाउट कि वेयर डू वी हैव टू पुट अ 10 lakh 5 lakh 15 lakh 20 lakh एंड डाइवर्सिफाइड इट बट व्हेन समबडी इज आस्किंग यू ऑन द बैक ऑफ हिज माइंड प्रोबेबली ही इज थिंकिंग 2 lakh सेव हुआ है इसको कहां पे एक जगह पे डालना है एंड दैट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर आपको नहीं पता व्हिच वे इट विल गो इट इज ऑलवेज 50-50 एंड आई बिलीव मी इन सी व्हाट विल हैपन इन दिस इज दैट जो आप 5 stock डिसाइड करोगे ना और बोलोगे उसको उसमें से सबसे जो चलेगा उसमें सबसे कम एलोकेशन होगा उसका यस एग्जैक्टली और जो सबसे टूटेगा उसमें हाईएस्ट एलोकेशन होगा उसका यस एग्जैक्टली तो ये मैंने सेबी से सीखा है कि यार ये एडवाइस देना कोई मतलब है नहीं दिस इज द बिगेस्ट आयरनी ऑफ मार्केट ठीक है एंड इट सो हैपेंस कि जितनी भी 4-5 crore की ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसके अंदर दिस थिंग इज नॉट रैंडम इट इज वेरी कंसिस्टेंट ठीक है ना कि ऑल अब्रॉड 5 crore डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं डिफरेंट उनकी एलोकेशंस हैं डिफरेंट उनकी सिलेक्शंस हैं बट व्हेन यू विल सी द एंड रिजल्ट्स सबसे ज्यादा एलोकेशन सबसे ज्यादा लूजर्स में होगी और सबसे ज्यादा कम एलोकेशन सबसे ज्यादा विनर्स के अंदर वो तो ऐसा ही होता है वो तो रूल है वरना देखो आज की डेट में भी 80-20 का रेशियो तो लाइफ टाइम रहने वाला है कि 80% लोग पैसा गवाएंगे 20% लोग पैसा बनाएंगे राइट उसमें कोई दो राय नहीं है जब अच्छा मौसम आएगा तब बहुत लोग बनाएंगे पर इन 3 साल की स्केल में देखोगे तो यही रैंडम फिगर आने वाला है तो वही चीज है ना कि हम कैसे अपने आप को जैसे मैं आपको एक बताऊं चीज जो आपने मुझे पूछा था जब हमने कन्वर्सेशन किया था तो जेफ बेजोस को पूछा गया था कि व्हाट आर द 5 things विच आर गोइंग टू चेंज इन नेक्स्ट 10 years या तो जेफ बेजोस ने जो बोला ना कि आई डोंट बैट ऑन थिंग्स विच आर गोइंग टू चेंज We bet on the things which are not going to change. And not going to change is hard work, quant, discipline, being focused on your process. These are all hard work. बाकी stock कौन सा लेना है, बेचना है, वो तो ज़िंदगी पर change. आज मैं PFC बोल रहा हूँ, कल उठ के मैं तीसरा बोलने वाला हूँ.
बिकॉज मुझे तो जो परफॉर्मर है उसकी बात करनी है. यस, सो दैट इज वेयर द होल पॉइंट इज. बट ऑल टू द ऑडियंस, द ओनली थिंग 17 इयर्स आई हैव गॉट नाउ, यू नो, ब्रेड, वो बोलते हैं सॉल्ट एंड पेपर. माय डॉटर सेज दैट यू हैव गॉट सॉल्ट एंड पेपर बट डैडी. सो सॉल्ट एंड पेपर इज अ ग्रेट एज वेयर यू हैव एक्सपीरियंस प्लस एनर्जी. दो ईयर में एक्सपीरियंस प्लस एनर्जी. तो आई वुड से टू ऑल द ऑडियंस दैट मनी मेकिंग इज नॉट इजी गाइस. आपको लगता है इक्विटी इन्वेस्टिंग में आप टिक करोगे पैसा आ जाएगा, बिगनर्स लक है, पर लंबी रेस के लिए करना है. तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यू वांट टू टेक इट दिस और नॉट, इट इज नॉट. सो यस्टरडे माय कजिन नेफ्यू केम टू मीट, ऐसे ही ऑफिस पे आया था टू सी माय ऑफिस एंड ऑल. एंड वो मुझे बोल रहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट करना था. मैंने बोला व्हाट इज योर व्हाई फॉर डूइंग स्टॉक मार्केट. तो मैंने बोला कि, उसने बोला पैसा कमाना है. मैंने बोला ठीक है यार, एक 12 साल के लड़के, सॉरी एक 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड के लड़के को पैसा बनाना है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है. तो मैंने बोला तो फिर क्या करोगे. बोला पापा पैसा नहीं देगा. वो ठीक है. मैंने बोला एक काम कर, आई विल गिव यू 1 lakh rupees, तो मेरे अकाउंट में ट्रेड करेगा, 80% तेरा होगा, 20% तेरा होगा. पर उसके लिए दो चीज तेरे को करनी है. बोला क्या करूंगा क्या करूंगा. बोला दो ही चीज, वेरी सिंपल. एक कि तेरे को 5 NISM की एग्जाम क्लियर करनी है, जो NSE की एग्जाम्स है, जो घर पे पढ़ के ही आपको करना है. उसमें कुछ और कोई बाहर के कोर्स नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है, NISM के एग्जाम पढ़नी है. तो बोला मामा वो कर दूंगा मैं. दूसरा, आपको हर महीने एक फाइनेंस की बुक पढ़नी है. रिच डैड पुअर डैड हो गई, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई, ट्रेंड फॉलोइंग बाय माइकल कोवेल हो गई, वॉरेन बफे की वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गई, कुछ भी जो भी दिमाग में आए जो कुछ फाइनेंस रिलेटेड है वो. तो मैंने उसको बोला कि 24 hours यू गिव मी रिप्लाई. This is 25th hour. I didn't get a reply. You know why? Because whatever I told is extremely boring to do. Yeah. मैंने वैसे आप रोहित देखोगे तो कुछ मंबो जंबो कोई कुछ बोला नहीं था. मैंने सिंपल NISM की एग्जाम पास करना, यानी 3 दिन का प्रिपरेशन करना है. बट द होल प्रोसेस हैज बीन डेवलप्ड. कुछ नहीं करना है, डीमैट अकाउंट खोलाओ, स्विच दबाओ, पैसा बनेगा, स्विच बेचो, पैसा आ जाएगा. एक्चुअली द थिंग इज कि व्हेन मेनी पीपल लुक एट स्टॉक मार्केट ना, उनको लगता है कि पैसा बनाने की मशीन है. एंड बाय डिफॉल्ट पैसा बनाने के लिए एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड. इट्स आफ्टर दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट रीडिंग द बुक पार्ट कि हाँ यार मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, आई एम गेटिंग सम सर्टिफिकेशन. That is actually when you are getting ready for that shows your grit, right? When I see people who was working out in gym or playing squash, I don't see how much better they play it, how much discipline they are to be there at every day to hit that ball and doing boring things. Actually, boring things makes you more exciting in life rather than exciting things makes you more boring. Exactly. So ये जो प्रोसेस लगता है कि इतना सिंपल है, 17 साल दिन रात एक करके इतनी, वो मेरा एक कोट है कि कौन सीखा है किस्सों से, सबको ठोकर की जरूरत है. बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकरों खाने से बुद्धि आती है. तो 17 साल इतनी ठोकर खाई है, इतनी सीखा है कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, तब यू मेड अ फॉर्मूला. So no formula was made at the first go. It was made with blunders of mistakes. Yeah. So I'm here and I will tell you, if you meet me after 1 year, and I will assure you that I would be having much more stronger formula than this formula. Because you have to evolve. You can't say that, okay, ek ho gaya, main abhi kabhi nahi, ye toh meri puri zindagi hai. Nahi ho sakta. You have to keep evolving. So that's how you become a decent investor for yourself. Theek hai. I'm not going to cut this part anyhow. Really? No, I'm not going to. I'm going to put it in the conclusion because somebody has to say it and somebody has to listen. Okay. No, so thanks a lot, Rohan. Thanks a lot for being with me. I'll put you in the description and then you take over the comments. Thank you. Perfect. It was a great chat and apna Himachal Pradesh ki meeting pending rahegi. Bilkul hai. Theek hai na? Chalo. See you. Good day. Bye.